हेलो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट सिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन टू 12 पहले ही कर रखा है तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट सिक्स के थर्टीन ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन ठीक है पहला क्वेश्चन 13 है क्वेश्चन नंबर 13 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री ये चीज बिल्कुल अलग है यहां इसका मतलब ये है आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ठीक है इससे पहले के में हमने क्या करा था जनरल निकाला था मतलब सी की वैल्यू निकल नहीं पाई थी उन क्वेश्चन के अंदर लेकिन अभी आपको क्या करना है uh, सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ओके okay, सो so, करते हैं स्टार्ट पहले देखो कौन सा टाइप है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है ना इस फॉर्म में आई है देखो ये आपका पी हो गया ये आपका क्यू हो गया ठीक है तो पहले क्या करेंगे जनरल सोल्यूशन निकालते हैं पहले ठीक है जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है पहले आई एफ आपको पता है कैसे करते हैं आई एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ठीक है टू e बाहर ले लो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कर लो इसके बाद आपको पता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये होता है log sec X बेटा है ना तो e टू log sec x ठीक है इसके बाद जो log की प्रॉपर्टी होती है देखो ये होती है ना n log m इसको हम लिख सकते हैं log m रेस्ट पावर n तो ये टू बेटा यहां चलेगा इसके ऊपर है ना तो आएगा e log sec x mod का स्क्वायर जिसे आप sec square x बोल सकते हो e और log हट जाते हैं आपको पता ही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया sec स्क्र एक्स राइट इसके बाद आप आओगे सोल्यूशन पार्ट में सोल्यूशन पार्ट क्या होता है इसका y इंटू आई एफ दाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू कहां पर है Q आपका साइन एक्स है बेटा है ना साइन एक्स इंटू आई एफ क्या है सेक्स पे डाल दो यहां पर dx आपको पता है सेक्स स्क्स क्या होता है बेटा सेक्स है वन अपॉन कॉ स्क्स एक्स अपॉन कॉ स्क्स ठीक है जो बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स राइट सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा बेटा और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन <laughs> क्या होता है इट इज सेक एक्स तो वाई सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी इसके बाद आपको दिया हुआ वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू सिक्सटी इसके अंदर पुट कर लेंगे तो वाई जीरो दिया हुआ बेटा है ना तो वाई जीरो पुट करने से आपका एल एच एस पूरा जीरो बन गया इक्वल टू तो सेक्स सिक्सटी कितना होता है sec सिक्सटी इज टू बेटा है ना तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू आ गई इस माइनस टू को यहां पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ आपका आंसर आएगा वाई सेक्स स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टू सॉरी बिकॉज सी आपका माइनस टू आए ना तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हो बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म अब एक काम करो इसको सेक्स स्क्स से डिवाइड कर लो पूरे को तो वाई इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी ठीक बेटा राइट सी <coughs> नहीं आएगा सी तो ऑलरेडी मैं चुका हूँ ना ये देखो तो इसके बाद देखो सेक एक्स कट जाएगा तो यह कॉज एक्स माइनस टू कॉस स्क्स दिस इज बच्चों, नोट कर लो इज क्वेश्चन है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ठीक है देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स देखो पहले से वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे बोथ द साइड्स तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर क्लियर इसके बाद देखो बेटा इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से ठीक है तो आपका पी क्या आ जाएगा पी आपका आएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और क्यू क्या है आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क् होल स्क्वायर इतना क्लियर है आगे चलते हैं देखो आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो वो क्या होगा रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्स ठीक है अब इस पार्ट को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आपका आएगा ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क् मैंने सब्सिट्यूशन किया है इसको टी ले लिया बेटा देखो ऐसे इसको t लिया तो ये dt बन जाएगा ऊपर है ना और dt टी बाई क्या होता है log t रिप्लेस कर दी टी की वैल्यू तो आपका आ गया e रेस्ट पावर log वन प्लस एक्स स्क्वायर अब e और log हट जाता है आपके पास बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसके बाद सोल्यूशन पार्ट में आते हैं सोल्यूशन पार्ट क्या होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही है पावर कट जाएगी और जो आपके पास बचा है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स है ना वन प्लस एक्स स्क् वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इसके बाद इसके बाद आपको दिया हुआ 14 क्वेश्चन में कि आपको y जीरो और x वन पुट करना है y जीरो और x को वन पुट करना है तो इस स्टेप में बेटा y जीरो पुट कर दो और x को वन पुट कर दो y को जीरो पुट करते ही ये जीरो बन जाएगा और यहां पर tan इनवर्स वन आ गया ठीक है और tan इनवर्स वन क्या होता है पाई बाय फोर तो जीरो प्लस पाई बायर प्लस सी यानी कि सी आपका आ गया माइनस पाई बाय फोर राइट ज द इक्वेशन यहां से सी निकाला तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस पाई बाई फोर तो सी की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर आ गई इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद आप करोगे वैल्यू पुट कर देते बेटा इसके अंदर है ना जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं तो जाएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस फाइव बाई फोर राइट मैंने क्या किया सिर्फ सी की वैल्यू पुट कर दी यहां पर इसके बाद y आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क् माइनस पाई बाई फोर टाइम्स वन प्लस एक्स है ना बस इतना ही आंसर आ गया दिस आंसर नोट कर लो इसे ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन dy अपॉन डी एक्स माइनस थ्री वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स एंड ऑल्सो इट इज गिवेन दैट वाईल टू टू वैन एक्स इज इक्वल टू पाई टू दिशियल स्टार्ट करते हैं कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे तो आपका पी क्या द कोफिशन ऑफ वाई कोई क्या है बेटा माइनस थ्री कॉट एक्स आ जाएगा ठीक है दिस इज पी एंड वॉट इज क्यू क्यू इज साइन टू एक्स इसके बाद आप निकालोगे आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो वो क्या होगा ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स ठीक है इसके बाद देखो इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट करूंगा आपके सामने देखो e रेस्ट पावर माइनस थ्री बाहर निकाल लो अंदर आ जाएगा कॉटेक्स कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है इट इज लॉग साइन एक्स है ना पता होगा आपको इट इज लॉग साइन एक्स तो ये आगे लॉग साइन एक्स ठीक है अब ई e और लॉग हटते हैं बट क्या होगा माइनस थ्री लगा हुआ एक्स्ट्रा इस माइनस थ्री को हटाना पड़ेगा पहले तो कैसे करेंगे ई टू पावर लॉग साइन एक्स टू पावर माइनस थ्री क्लियर अब देखो ई e लॉग हट जाएगा अब साइन एक्स की पावर माइनस थ्री है जिसे हम बोल सकते हैं वन अपॉन साइन क्यूब एक्स दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मूव करते हैं सोल्यूशन पार्ट में सोल्यूशन पार्ट क्या होता है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स क्लियर अब देखो बेटा वाई इंटू आई एफ क्या है वन अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या है साइन टू एक्स है और if क्या है आपका यही है वन अपॉन साइन क्यूब एक्स ठीक है अब देखो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स होता है आपका टू साइन एक्स कॉज एक्स तो लिखोगे टू साइन एक्स कोज एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स मेटा ठीक है क्या कट रहा है यहां पर चेक करो साइन एक्स कटेगा और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो बेटा वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स आपका बन जाएगा टू बाहर और अंदर आ जाएगा कॉट एक्स कोसेक एक्स क्लियर कॉट एक्स कोसैक एक्स बेटा ठीक है एंड कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स बेटा है ना माइनस कोसैक एक्स तो वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कोसेक एक्स प्लस सी इसके बाद एक काम कर सकते हो साइन क्यूब एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका क्या आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स अब आप बोलोगे साइंस एक्स कैसे बन गया देखो बेटा कोसेक एक्स होता है sign, और को जब आप sin से multiply, से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा साइंस स्क्स है x, ना ये मैंने किया ठीक है साइंस स्क्वायर एक्स बेटा बच गया यहां पर है ना इसी तरह से ये पूरा रिजल्ट आ गया बट दिस इज नॉट द आंसर दिस इज ओनली द जनरल सोल्यूशन ओके जनरल सोल्यूशन बेटा ये तो क्या करना है आपको आपको वाई टू और एक्स नाइनटी आपको पुट करना है इस जनरल सोल्यूशन में तो वाई क्या है टू एक्स क्या है नाइन्टी uh, तो जहां पर एक्स सेवन 90 पुट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा और साइन 91 वन होता है तो ये सी बन गया है ना सी आपका बेटा आ जाएगा माइनस फोर इस सी माइनस फोर को कहां पुट कर देंगे इस जनरल सोल्यूशन के अंदर ठीक है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर माइनस फोर नहीं प्लस फोर होगा बेटा है ना प्लस फोर होगा तो प्लस फोर साइन क्यूब एक्स चेक कर लो बेटा यह आंसर ठीक है कि नहीं y इज इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वेर एक्स प्लस फोर साइन क्यूब एक्स दिस इज द राइट आंसर है ना तो ये दिस इज क्यूब बेटा नोट नंबर 15. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें आपको बोला हुआ है वर्ड प्रॉब्लम है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ना दिस इज गिवन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब आपको x इक्वल टू एंड y इक्वल टू पहले से गिवन है to find the constant ठीक है given that the slope of tangent what is slope of tangent this is dy by dx now given that slope of tangent is equal to the sum of the coordinates of the point है ना coordinates क्या होते हैं x और y इसका मतलब दिया हुआ है slope of tangent जो है वो equal है sum of x and y coordinates clear इस equation को आगे हम solve करेंगे तो ये हो गया बेटा dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है तो डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से से कंपेयर कर लेंगे तो पी आपका आएगा माइनस वन एंड क्यू आपका आएगा एक्स इसके बाद निकालेंगे आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन डी एक्स आपका आ गया e रेस्ट माइनस एक्स दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बाद मूव करते हैं सोल्यूशन पार्ट पर सोल्यूशन पार्ट क्या होता है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स राइट देखो बेटा वाई इंटू आई एफ आई एफ क्या है ई रेस्ट पर माइनस एक्स है ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या है आपका क्यू बेटा आपका एक्स है आई एफ क्या है रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स है अब यहां पर देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड होता है एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आएगा दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड फंक्शन तो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन राइट हम इसके बाद देखो y इंटू रेस्ट पॉल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन यानी कि माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आगे देखो वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? x का डेरिवेटिव क्या होता है इट इज वन

रेस्ट पर माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन प्लस जनरल सोल्यूशन बेटा इसका तो आपको दिया हुआ एक्स जीरो और वाई जीरो पुट कर दो इसके अंदर और y 0 पुट कर रहा हूं इसके अंदर तो आपका बेटा सी क्या जाएगा वन इस सी वन को अब जब यहां पुट करता हूं तो आंसर देखते है क्या आएगा वाई जीरो एक्स जीरो दिया था ना यस yes. तो सी आपका वन आ गया राइट right. बिल्कुल सही है अब सी वन यहां पुट करता हूं इस जगह पर तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन तो आपका बेटा आंसर क्या है वाई इज इक्वल टू माइनस एक सेकेंड गलती हो रही है इसके अंदर मैंने जब यहां पर ई रेस्ट पर माइनस एक्स से डिवाइड कर रहा था तो यहां पर मैंने इससे नहीं किया सी से नहीं किया देखो बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी ई रेस्ट पावर एक्स ये आ जाएगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखो मुझे क्या करना चाहिए था डिवाइड करना चाहिए सबको डिवाइड करना है ना सी से डिवाइड मैंने नहीं किया था लास्ट स्टेप में तो बेटा आपकी बार कर दिया तो चेक कर लो उसको एक बार ठीक है अब क्या करना है आपको एक्स जीरो तो तो बेटा ये आ जाएगा c इज इक्वल टू वन बिकॉज ई रेस्ट पर जीरो इज वन तो आपका आंसर क्या आया y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स बिकॉज सी आपका वन है वन पुट कर दिया मैंने यहां पर राइट right? hmm. इसको आप दोबारा लिख सकते हो ऐसे वाई प्लस एक्स लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए रेस्टर एक्स दोनों ही आंसर ठीक है आप कहीं भी छोड़ सकते हो बोथ द आंसर सर करेक्ट बेटा नोट कर लो इसे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आ गए हम लोग uh, देखो क्या है क्वेश्चन सेवनटीन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो कामर टू ट्स ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर एक्सड मैग्नीट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट बाय फाइव इसका मतलब क्या हुआ समर्डिनेट्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सीड द मैग्नीट ऑफ स्लोप बाई फाइव मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव ठीक है यह मतलब निकलता है इस फ्री लाइन का ठीक है अब यहां से मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहूंगा देखो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो यासे करो डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं ठीक है एक्स माइनस फाइव राइट ओके अब इसे कंपेयर करूंगा डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू तो क्यू की फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो आपका पी क्या आएगा आपका पी आएगा माइनस वन और क्यू आपका आएगा एक्स माइनस फाइव अब निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होगा ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके सोल्यूशन पार्ट में आओगे कैसे करते देखो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स ठीक है तो y इंटू आई एफ क्या है आपका ई रेस्ट पर माइनस एक्स है ई रेस्ट पर माइनस एक्सपोर्ट कर दो

इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डी एक्स ठीक है होल डीएक्स अगला स्टेप देखो वाई इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ई रेस्ट पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस्ट पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा रेस्ट पर माइनस एक्स और माइनस बार भी आएगा बेटा ठीक है इसके बाद यहां पर आ जाओ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरीवेटिव एक्स माइनस फाइव आपका वन होगा पर e का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन है ना तो अपॉन माइनस वन चलो लिख दे दो तो एक स्टेप में अगले स्टेप में कर लेंगे हम लोग ध्यान से वाई ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव e रेस्ट पर -x यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस ठीक है ना माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया इसके बाद देखो ये माइनस माइनस प्लस यहीं पर कर देते हैं ठीक है अब आपका e रेस्ट पर -x है इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा e रेस्ट पर -x अपॉन -1 तो यहां पर minus -1 लगा देते हैं प्लस c इसके बाद देखो बेटा पूरी इक्वेशन को e रेस्ट पर -x से डिवाइड कर देते हैं तो आफ्टर डिवीजन क्या आएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस वन प्लस सी रेस टू पावर एक्स राइट ये आपका एक इक्वेशन बन गई है जनरल सोल्यूशन है ठीक है अब इसके बाद कुछ वैल्यूज दी हुई है आपकी एक्स आपका जीरो है वाई आपका टू है तो एक्स जीरो और वाई टू इसके अंदर पुट कर दो वाई टू और एक्स आपका जीरो है ठीक है बेटा एक्स आपका जीरो है यानी कि यह आ गया तो यहां से आपका सी क्या आ जाएगा टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू आ गया इसी माइनस टू को यहां पुट कर दो तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस वन माइनस टू ई रिस्ट पॉर एक्स दिस इज आंसर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो देखो क्या आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स देखो माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस फाइव माइनस वन फोर आ गया माइनस टू ई रिस्ट पॉल एक्स दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है नोट कर लो इसे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन था ये। क्वेश्चन नंबर एटीन और नाइनटीन आपके एमसीक्यू क्यू है तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर आता है ठीक तो, uh, है तो एटीन में एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजल टू टू एक्स स्क्वायर सबसे पहले इसको एक्स से डिवाइड कर लो डी बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स आ गया तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इस फॉर्म से देखो डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तो आपका पी क्या जाएगा बेटा पी आपका आएगा माइनस वन अपॉन एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है इंटीग्रेटिंग होता है ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो बेटा ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस लॉग एक्स माइनस जो है एक्स के ऊपर आ जाएगा तो ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ एक्स रेस्ट माइनस वन यानी कि ये तो हट जाएगा आपका तो एक्स रेस्ट माइनस वन का मतलब वन अपॉन एक्स तो बेटा वन अपॉन एक्स देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर एनसीआर में सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन एक्स इज द राइट आंसर देखो बेटा ने, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसके अंदर भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो देखो इसमें जो फॉर्म है वो डी एक्स बाई डी वाई वाली होगी है ना तो पहले वन माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो dx बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर तो अगर इस फॉर्म को मैं कंपेयर करूं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से पी एक्स सॉरी पी एक्स से कंपेयर करूं तो आपको जब p होगा वो क्या होगा x का कोएफिशिएंट तो आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं क्या आएगा है? e रेस्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ठीक है इसके बाद इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है वन माइनस वाई स्क्वायर को t ले लेंगे तो इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर डी टी बाई डीवाई क्या आएगा माइनस टू वाई ठीक है तो ये आ गया बेटा डी टी अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वाई डी वाई ठीक है तो ये हो गया इेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टू माइनस टू मतलब माइनस वन अपॉइंट टू डी टी और अपॉन नीचे t आ गया ठीक है तो ये हो गया e रेस्ट पावर माइनस वन अपॉइंट टू लॉक टी बेटा है ना इसके बाद ये माइनस हाफ जो पावर है इसके ऊपर पहुंचा दो ई e और लॉग हट जाएंगे तो आपका टी रेस्ट पावर माइनस हाफ आएगा जिसे आप बोल सकते हो वन अपॉन टी रेस्ट पावर हाफ वन अपॉन टी रेस्ट पावर हाफ का मतलब क्या होता है वन अपॉन रूट टी है ना वन अपॉन रूट टी तो वन अपॉन रूट टी यानी कि वन माइनस वाई स्क्वायर वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर देख लो ये आपका डी ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बेटा तो ये एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट सिक्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है थैंक यू बच्चों थैंक यू